नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे इकाई सात की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कथेतर साहित्य। सबसे पहले कथेतर का क्या अर्थ होता है? कथेतर में सत्य से संबंधित कहानियां या नाटक आते हैं जो सत्य हो, सच्चाई पर आधारित हो। उसमें सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है जो है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा क्या होती है? आपने कई बार देखा होगा टीवी पर या मोबाइल फोन पर भी आपने देखा होगा कि एक दो ग्रुप्स बैठकर साथ में एक किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, उसी को ही सामूहिक चर्चा कहा जाता है। सामूहिक चर्चा का सबसे पहले किसे कहा जाता है? जब हम किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर आपस में शांतिपूर्वक विचार विमर्श करते हैं तो उसे सामूहिक चर्चा कहते हैं। किसी भी विषय के ऊपर शांतिपूर्वक अपने विचार देना, दूसरों के विचार सुनना, उसे क्या कहा जाता है? सामूहिक चर्चा। इसमें किसी समस्या के कारण तथा उस समस्या से निवारण आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। जिस समस्या के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उस समस्या पर हम पहले ये देखते हैं कि वो समस्या का कारण क्या है और उस कारण को देखते हुए उस समस्या का हम निवारण का अर्थ होता है उसका हल भी निकाला जाता है। तो किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हुए उसके कारणों को ध्यान में रखते हुए उसका हल निकालना ही क्या कहा जाता है? सामूहिक चर्चा। विषय का चुनाव और प्रस्तुतिकरण कि हम किस विषय पर चर्चा करनी है, उसको हम प्रस्तुतिकरण है, हम उसे पेश कैसे कर सकते हैं, उसको ध्यान रखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामूहिक चर्चा में जिस विषय पर चर्चा प्रारंभ की जाती है, जिस भी विषय पर आप चर्चा शुरू कर रहे हो, उस समस्या का हल निकालने का प्रयास भी किया जाता है। हमें सिर्फ उस समस्या के ऊपर बहस या अपने विचार नहीं देने हैं, उस समस्या को हमने हल करने का प्रयास भी करना है। अतः सामूहिक चर्चा करते समय भागीदारी को प्रत्येक विषय का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उस चर्चा के ऊपर जो भी भागीदार है, जो भी उस विषय पर शामिल हो रहे हैं, उसे उस विषय का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आगे सामूहिक चर्चा करते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उससे संबंधित कुछ पहलू है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी विषय के ऊपर सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय भली भांति चिंतन मनन करना आवश्यक होता है। जिस भी विषय को आपने चुना है उस विषय के ऊपर उसके जितने भी पहलू हैं, जितनी भी उस विषय से संबंधित बातें हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, विचार करना, सोचना वो जरूरी है। दूसरा है आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। आप अगर अपनी बात कह रहे हो तो आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो सामने वाले के ऊपर अपनी बात का प्रभाव डाल सके। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक भागीदार द्वारा कही गई बातों पर पैनी दृष्टि होनी चाहिए और उसी को ही आधार बनाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। आपको अपनी बातों के अलावा जो आपका सामने वाला भागीदार है उसकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, पैनी दृष्टि बनाकर उनकी बातों को भी सुने और उनकी बातों को सुनते हुए आधार बनाते हुए फिर अपनी बातों का अपना पक्ष भी रखना चाहिए। आगे ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो समस्या पर आधारित हो और विषय के कमजोर पक्ष को उजागर करें। हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए जो उस विषय समस्या पर आधारित हो और उस विषय के ना कि मजबूत पक्ष बल्कि उसके कमजोर पक्ष को भी सामने लेकर आए। आगे लास्ट, उत्तर देते समय ऐसे तर्क प्रस्तुत करने चाहिए जो आपके कथन की पुष्टि करते हुए, उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो तो आप ऐसे उत्तर दो कि जो आपकी कही गई बात की पुष्टि करें, सही सम्मानित हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी विषय के ऊपर सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सामूहिक चर्चा का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।